हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक कुमार प्ले। और मैं बता दूं आपको कि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इसे, क्योंकि मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की न्यूज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। ये रिव्यूज़, फ़ोन की रिव्यूज़ और भी बहुत सारी चीज़ के रिव्यूज़ और यूट्यूब के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स लाता हूँ। तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस घंटी वाले आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उससे हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए सबसे पहले हम बॉडी की बात कर लेते हैं। बॉडी बहुत अच्छी दिख रही है इस फ़ोन की। बॉडी में मेटालिक बॉडी दिया गया, आपको पता है Xiaomi अपने सारे फ़ोन से मेटालिक बॉडी दे रहा है। और तो हम लॉगिन हो चुके हैं स्पेसिफिकेशंस वाले पेज में। आप टेक्नोलॉजी देख लीजिए, आपको मतलब नेटवर्क आपको 2G 3G 4G सब मिलेगा। अनाउंस्ड हो चुका था जून 2018 में, लेकिन आपको ये लॉन्च हो रहा है 5 सितंबर को। बॉडी आप देख लीजिए, बॉडी ज़्यादा भारी नहीं है ये फ़ोन, 145 ग्राम्स का है। हाइब्रिड डुअल सिम है, नैनो सिम और डुअल स्टैंड बाय पे चलता है। डिस्प्ले आप देख लीजिए, IPS LCD कैपेसिटिव टच स्क्रीन, 16M कलर्स, 5.45 इंचेस का ये फ़ोन है। रिजोल्यूशन आपको फुल HD नहीं बल्कि HD के लगभग ही मिल रहा है, 720p का, और जो कि अच्छा ही है। मल्टी टच है इस फ़ोन में, MIUI 9.0 पे चलता है। प्लेटफॉर्म 8.1 है, ओरियो, जो कि बहुत अच्छा एंड्रॉयड है, जो कि मैंने पहले ही फ़ोन से बता चुका है बहुत अच्छा एंड्रॉयड है। चिपसेट आपको MediaTek Helio A22 मिल रहा है। फिर CPU आपको Quad-Core 2.0 Cortex A53 CPU ने कुछ निराश किया है फ़ोन के, आजकल के ज़माने के फ़ोन के हिसाब से। मेमोरी आप देख लीजिए, कार्ड स्लॉट आप लगा सकते हैं 256 GB तक, और सेकंड सिम स्लॉट को यूज़ कर लेता है ये 256 GB, जो कि बहुत अच्छा स्टोरेज दिया गया है इस फ़ोन में, बहुत अच्छा है। इंटरनल आपको 32 GB 3 GB रैम के साथ और 16 GB 2 GB रैम के साथ अवेलेबल है ये फ़ोन। आपको मेन कैमरा सिंगल मिल रहा है 13 MP का, जो कि बहुत अच्छा कैमरा होता है रेडमी का। LED फ्लैश, HDR पैरानोमा दिया गया है इसमें। वीडियो आप फुल HD में शूट कर सकते हैं। सेल्फी कैमरा आपको 5 MP का दिया है। वीडियो आप फुल HD में शूट कर सकते हैं इसमें। फिर साउंड, ये सब तो आप जानते हैं, 3.5 mm जैक इसमें दिया गया है। जैसे कि हमने पिछले फ़ोन में देखा था Xiaomi का, Xiaomi पोको फ़ोन 1 में, उसमें 3.5 mm जैक नहीं था, इसमें आपको दिया गया है। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन विद डेडिकेटेड माइक भी आपको दिया गया है इसमें। चलिए अब हम फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब सेंसर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सेंसर्स में आपको एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी कंपास, ये सब दिया गया है। फिर आपको इसमें सबसे बड़ी बात, आपको फिंगरप्रिंट लॉक नहीं दिया गया है इस फ़ोन में। जब आपकी आप देख सकते हैं ये फ़ोन सस्ता है, तो आपको फिंगरप्रिंट लॉक नहीं दिया गया है। बैटरी आप देख लीजिए, नॉन रिन्यूएबल लिथियम आयन 3000 mAh की बैटरी आपको दी गई है, और ये फ़ोन आपको ग्रे, ब्लू, गोल्ड, रोज़ गोल्ड में अवेलेबल है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की न्यूज़ लाता हूँ।